इस टाइम पर ये खेत में ज़्यादातर बालियां निकल चुकी हैं, कुछ खेतों में अभी निकल रही हैं। ऐसे खेतों में दो समस्याएं सबसे ज़्यादा देखी गई हैं और किसान भाई तरह तरह के उपाय करके थक चुके हैं, लेकिन इस समस्या का उपाय नहीं कर पाए, यानी प्रॉपर रोकथाम नहीं हो पाए। जैसे पहली समस्या तो यही है कि इस टाइम पर बालियां निकलने के बाद बालियां सूखना चालू कर देती हैं, जो जहाँ से गांठ बनती है, जहाँ से बाली निकलती है, जिसको साधारण रूप से बोल सकते हो, जैसे यहाँ से ये गांठ का तना यहाँ से है, तो यहीं से ये कीड़ा काटना चालू कर देता है। जो तना छेदक है आपके खेत में पहले दिखाई पड़ रहा होगा, पतंगा आदि, और पतंगा आदि अगर कीट है या अंडे की अवस्था में है, तो उस टाइम पर क्लोरोपायरीफास, प्रोफेनोफास, लैम्डा सालोथ्रिन, इन सब दवाओं को डाल करके भी उस पतंगे को मार सकते थे और जो तना छेदक है उस पर कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन किसान भाइयों, एक चीज़ आपको बता दें कि इस बार हमारे क्षेत्र में क्या हुआ, तना छेदक बिल्कुल शुरुआत से रोपाई के 8 से 10 दिन पे लगना चालू कर दिया था, आप पुराने वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन समस्या ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों ने तरह तरह के अलग अलग दवाओं को डाला, अलग अलग डोज में डाला, डोज बढ़ा बढ़ा कर काफ़ी कुछ डाला है, सब कुछ डाला, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ। हाँ, कुछ किसान भाइयों को फ़ायदा हुआ, कुछ किसान भाइयों को नहीं फ़ायदा हुआ। जैसा कि किसान भाइयों से मैंने पूछा तो कुछ किसान भाइयों ने बताया कि मैंने लैम्डा भी डाल दिया, क्लोरोपायरीफास भी डाल दिया, प्रोफेनो भी डाल दिया, और जो दवाएं हैं लगभग सभी दवाएं डाल दी हैं, काट ऑफ वगैरह भी डाल दिया। अब इस टाइम पर क्या है, बाली जब निकल रही है और इस टाइम पर जो बालियाँ सूख रही हैं, तो दुकानदार जो डलवा रहे हैं काट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP, इसको डलवा रहे हैं, इसकी 250 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ तक डलवा रहे हैं, और दूसरी इमडा क्लोरोपिड, लैम्डा साइलोथ्रीन, ऐसे दवाएं डलवा रहे हैं, लेकिन इनसे भी वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसलिए किसान का पैसा भी जा रहा है और कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा। शुरुआत में अगर हम बात करें तो कुछ किसान भाइयों ने फर्टेरा डाला था, जिसमें क्लोएंट्रा नीलिप्रोल है, या उस फार्मूले से संबंधित दूसरे जो हैं, वह बहुत से किसान भाइयों ने इमडा क्लोरोपिड 0.3% GR में जो होती है उसको भी डाला, बहुत से किसान भाइयों ने जो फिप्रोनिल 0.3% 0.6% आती है उसको भी डाला, लेकिन कुछ किसान भाइयों के खेत में तो वही दवाएं फ़ायदा करी और कुछ किसान भाइयों के खेत में फ़ायदा नहीं हुआ। इस बार लैम्डा साइलोथ्रीन अच्छे से तो काम कर रहा है, लेकिन वो जैसे गंधी आदि है उस पर कंट्रोल कर रहा है, इसमें लैम्डा साइलोथ्रीन, थायोमेथॉक्सम, ये सब चीज़ें डाली गई, लेकिन उसके बावजूद भी आपको दिखा देते हैं तो बालियाँ पकने की अवस्था में है और दाना काला नहीं हुआ, लैम्डा साइलोथ्रीन पड़ा है, लेकिन हल्का दाना, हल्का कलर उड़ा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा काला नहीं पड़ा है, लेकिन बालियाँ इसमें पहले सूखी थी, उसके बावजूद जब गंदी बग लगा था तो लैम्डा और थायोमेथॉक्सम मिला करके 25% 30% वाला कुछ किसानों ने डाला है और मिला करके डाल दिया, गंदी पे तो कंट्रोल हो गया, लेकिन जो बालियां सूखने की समस्या थी थोड़ी बहुत लगी है, लेकिन उसके बाद कंट्रोल हो गई है। मैं बात कर रहा था कि देखिए क्लोएंट्रा नीलिप्रोल इस बार किसानों ने डाला, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम नहीं किया और फेल मार गई, लेकिन जिन किसान भाइयों ने फिप्रोनिल डाला था, चाहे वो स्प्रे किया हो चाहे 0.3% का मतलब दानेदार खेत में डाला हो, वो थोड़ा अच्छे से कंट्रोल किया, उन खेतों में नहीं लगा, लेकिन जिसमें इस तरीके की चीज़ें डाली गई और चीज़ें डाली गई उसमें फिर से लगा। अब यहाँ पर देखें, यूरिया इतनी ज़्यादा डाली गई थी कि पत्तियाँ अभी भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा हरी हैं, जिसके कारण पहले ये धान पका है, और अक्सर जो पहले धान पक जाते हैं उसमें जो है हल्दी रोग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो देखिए इसमें हल्दी रोग लगना चालू हो गया, क्योंकि बालियों की इसी स्टेज में हल्दी रोग लगना चालू होता है और धीरे धीरे ये फैलना चालू हो गया, अब हो सकता है कि आगे भी फैले, तो इसलिए लास्ट में जो यूरिया ना डालने की मैं सलाह देता हूँ, उसका सीधे यही कारण है, अगर लास्ट में आप बालियाँ निकलते टाइम डालते हो, बहुत से किसान भाई डालते हैं, तो ये एक समस्या बन सकती है, जो फंगस हल्दी रोग वाला लगता है, ये फाल्स स्मट, ये लग सकता है। बाकी अगर इस टाइम की बात करें तो दोस्तों बेटर रहेगा कि अगर बाली निकल चुकी है तो आपको जैसे इस खेत में डाला गया था, थायोमेथॉक्सम डाल दिया गया था,
और दूसरी दवा डाल दी गई लैम्डा साइलोथ्रिन। लेकिन थायोमिथाक्सम मैं इसलिए नहीं कहता हूँ, देखिए अभी भी कुछ बालियाँ आपको ताज़ी जो है ये देखो ये भी कटी हुई दिखाई पड़ रही, सूखी हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो इसलिए फिप्रोनिल आप डाल सकते हो, लैम्डा साइलोथ्रिन साथ में मिला करके डाल दो, कंट्रोल हो जाएगा, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। 100% काम नहीं करेगा, 100% कंट्रोल नहीं होने वाला, लेकिन यदि 80-85% भी कंट्रोल हो गया तो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और बाकी इसमें थायोमिथाक्सम पड़ी है तो 80-85% कंट्रोल हो गया, एक दो बालियां ही आपको इसमें सूखी हुई दिखाई पड़ रही हैं, बाकी आप देख रहे हो कि इसमें गंधी बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही, यानी गंधी खत्म हो चुका है। वो जो खेत मैंने पहले दिखाया था उस खेत में अभी इमिडाक्लोरोपिड डाली गई है और साथ में लैम्डा साइलोथ्रिन डाली गई, दो दवाएं मिक्स करके डाली गई हैं। उसमें एक दो बालियां सूखना चालू हो गई थी, लेकिन उसके बाद अब जो है दवा कल डाली गई है, जैसा रिजल्ट आएगा आपको दिखाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। अगर ये दवा अच्छे से काम करती तो वो भी बताऊंगा, नहीं काम करेगी तो वो भी बताऊंगा। मैंने जो डाला था बाली निकलने के पहले, जो आप फार्मिंग आइडिया पे खेत देख सकते हो जिसमें धान में सांड वगैरह खेत को चर करके अब ख़राब किया, तो मैंने बचाव के लिए जो उपाय किए हैं उस खेत की अगर बात करें तो उसमें मैंने डाला है फिप्रोनिल 5% और प्रोफेनोफास, दो दवाओं को मैंने डाला है बाली निकलने के पहले। क्योंकि प्रोफेनोफास में साइपरमेथ्रिन भी होती है, इसलिए बालियां निकलने के बाद आप बिल्कुल कदापि गलती मत करना, नहीं तो बालियां काली हो जाएंगी। यहां कुछ और दिखाते हैं तो देखिए थोड़ा बहुत इसमें बालियां सूखना अभी भी जारी हैं, और अभी भी जैसे उधर देखा था आपको मैंने दिखाया था कि धान पकने की अवस्था में था, इधर अभी दुग्धावस्था में है, कुछ बालियों में दाने का भराव हो रहा, तो ऐसे काम चल रहा है और बालियां भी साथ साथ में सूख रही हैं। तो उम्मीद है दोस्तों जो चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया है आप ऐसे उपाय करोगे और अपने खेत में इस तरीके की समस्या से बचाव कर पाओगे।